सारी वही अच्छा जी। पाकिस्तान में बीपीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं, तैयारी देखिए मैंने पहले भी बोला है कि पाकिस्तान की पीएसएल जो है वो अब स्टार्ट हुई है। कोई भी आप जितनी भी लीग्स उठा के देख लीजिए सारे अपने मुल्क में खेलती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं बाहर खेलना पड़ रहा था लेकिन वो भी वक्त की ज़रूरत थी और बड़े अच्छे तरीके से हमने निभाया। लेकिन असल पीएसएल जो जहाँ तक मेरा ख्याल है अब स्टार्ट होगी वो आप सब भी विटनेस करेंगे। हमें समझते हैं कि ये पीएसएल से दोबारा कमिटी की कामयाब सर मैं पीएसएल कोशिश करूँगा कि इन्जॉय करूँ क्योंकि परफॉर्मेंसेज के लिए इन्जॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने प्रोसेस पे ध्यान रख सकता हूँ, परफॉर्मेंसेज से मैं अपने आप को दूर हूँ। अगर मैं प्रोसेस अच्छे तरीके से करूँगा, अगर मैं अपने हार्डवर्क करूँगा, फोकस रहूँगा, टीम में मदद करूँगा, टीम मैन बनने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह मेरा परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा है सर, देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आई थिंक सारे फोकस्ड हैं। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ ये इससे सबके लिए मौका होता है, तो यहाँ पे यू नो आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट। जो जो भी टीम में है या जो जो भी टीम में जगह बनाना चाहते हैं मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और उनको बोलना चाहूँगा कि ये पीएसएल में बहुत ज़्यादा मेहनत करें। हम सब मिलकर मेहनत करते हैं, हम सब परफॉर्मेंसेस भी करेंगे और इंशाल्लाह टीम में जगह भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि पीएसएल को भी उठाएं। देखिए मैंने अभी देखा है नेशनल एंथम, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा है और चार हमारे जो इंडस्ट्री के अच्छे नाम हैं, स्टार्स हैं, अली अजमत है जिसमें आरिफ लाहौर साहब हैं, आसिम हैं, तो ये लोग मेरे ख्याल से एक अच्छा नाम है और इन्होंने मिलके एक बड़ा जस्टिस किया है जो आप लोगों ने भी देखा है, बड़ा मज़ा आया है। होपफुली इंशाल्लाह ताला ये जो पीएसएल है और इसका जो एंथम है ये जो है ना ज़बरदस्त और सबसे बेहतरीन होगा। अहमद अपने फैंस के लिए कोई बोल बुलाएंगे एंथम कौन सा? ये पीएसएल है। तैयार हो? तैयार है। तैयार है। थैंक यू। नहीं बोलो तो सही, तैयार हो? तैयार हो। बस ऐसे ही है सर।